कि जब महाराजा हरि सिंह विलय का प्रस्ताव लेकर आए तो पंडित नेहरू ने एक शर्त लगा दिया। ये शर्त महाराजा हरि सिंह की ओर से नहीं थी, उन्होंने शर्त ये लगा दिया कि हम विलय के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि जब कश्मीर में सामान्य स्थिति होगी तो कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा और उसका जो निर्णय होगा उसके आधार पर विलय का फैसला होगा। ये कभी महाराजा हरि सिंह ने नहीं कहा था कि जनमत संग्रह कराया जाए, ये पंडित नेहरू ने जनमत संग्रह की शर्त को उसके अंदर जोड़ दिया। और चौथी गलती की, ये दो देशों के बीच का मामला था, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पंडित नेहरू ने कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर इस मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का काम किया। और पांचवी गलती की कि यूनाइटेड नेशंस के दबाव में आकर युद्ध विराम कर दिया जब भारतीय सेना पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी। अगर केवल दो दिन का और मौका मिल गया होता तो भारत की सेना और पाकिस्तानियों को खदेड़ने में सक्षम हो गई होती, लेकिन हमने युद्ध विराम कर दिया पंडित नेहरू की गलतियों के कारण और आज उसका परिणाम कि दो तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। मेरे मित्रों, मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जैसे लोगों के प्रयासों का परिणाम है कि पंडित नेहरू की गलतियों को 70-72 साल के बाद और सुधारने का काम हुआ है। मेरे मित्रों, दो बात मैं और कहना चाहूँगा। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में नेताओं को नज़रबंद करके रखा गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, शेर कश्मीर के नाम से जिस शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है, उस शेख अब्दुल्ला को 13 साल तक पंडित नेहरू और कांग्रेस की सरकार ने नज़रबंद बना के रखा था। तो जिन लोगों ने शेर कश्मीर को 13 साल तक नज़रबंद बना के रखा, वो कुछ नेताओं को कुछ महीनों के लिए नज़रबंद बनाए रखने पर सवाल उठा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि इंटरनेट और मोबाइल की सेवाओं को क्यों बंद कर दिया गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि यूपीए की सरकार के समय में 10 साल तक कश्मीर में इंटरनेट की सेवा को बहाल नहीं होने दिया गया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तब कश्मीर में इंटरनेट की सेवा बहाल की गई थी, और जब बुरहान वानी का इनकाउंटर में मौत हुई तो 5 महीने तक इंटरनेट बंद रखा गया था। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहीं सांप्रदायिक तनाव होता है, दंगे की स्थिति पैदा होती है, तो क्या प्रशासन इंटरनेट और मोबाइल को बंद नहीं करता है ताकि तनाव न पैदा हो? और क्या हम इसलिए छूट दे दें इंटरनेट और मोबाइल की ताकि आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से और मोबाइल पर बातचीत कर सके? तो अगर अस्थायी तौर पर अगर मोबाइल और इंटरनेट की सेवाओं को कुछ समय के लिए बंद किया गया है तो ये देश के हित में और कश्मीर के हित में किया गया है। और मेरे मित्रों, जो लोग इमरजेंसी से कश्मीर की स्थिति की तुलना करते हैं, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए इस देश में सेंसरशिप लागू किया था, और प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए नहीं बल्कि देश हित में, कश्मीर के हित में कुछ दिनों के लिए इंटरनेट और मोबाइल की सेवाओं को रोकने का काम किया है। और इसे मेरे मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में कश्मीर की समस्या का समाधान जो लोग 70-75 सालों में नहीं कर पाए, एक झटके में एक सर्जिकल स्ट्राइक कर 370 को खत्म कर वो ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी और उसकी टीम ने करने का काम किया है।